पर जाके लिए तो मुझे 400 रुपए। हम काज मैंने रिजाइन डाल दिया, भले से 2-3 हजार कम आ जाते, सीधा मीटर काटने अच्छी टाइम पे देना पड़ा। मैं भी गई पार्ट टाइम, मैं खुद देख। सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम हो गया आप सभी का शहजाद फैमिली ब्लॉग में। तो गाइस रात के बज रहे हैं 9:30 और मैं अभी जस्ट अभी काम पर से अभी आया मैं, क्योंकि काम पर से 7 बजे छूटा, उसके बाद में फिर मैं गया बांडू, बांडू से काम था, वहाँ से काम पटा के जस्ट अभी आया। एक सैंपल लाने का था वो लेकर आया। और गाइस आज जैसे कि थोड़ा सा ऐसी ऑफिस में कुछ हो गया तो आज मैं काम का आज मैंने रिज़ाइन डाल दिया। आज उस वहाँ उस ऑफिस में मुझे आज 13 या 14 साल हो गया है, लेकिन फाइनली आज मैंने रिज़ाइन डाल दिया गाइस वहाँ पे। बस ऐसे कुछ हो गया था जो मेरे दिल को लग गया, इसलिए मैंने आज वहाँ पे रिज़ाइन डाल दिया हूँ। मतलब अभी तो डाला हूँ, अभी एक्सेप्ट किए कि नहीं किए वो तो मुझे कल पता चलेगा ऑफिस जाने के बाद में, लेकिन मैं मेरी तरफ से मैंने डाल दिया। क्योंकि मतलब कोई वो चीज़ बोलते ना, कोई अगर 2 थप्पड़ मार देता ना दिल को नहीं लगता है, लेकिन कोई अगर बात से कुछ बोल देता ना, कोई कोई बात है ना ऐसी हर्ट हो जाती थी। तो मुझे बहुत वो आज वो एकदम बहुत ज़्यादा मुझे लग गई, इसलिए मैंने सोचा भाई मैंने आज रिजाइन डाल दिया। और एक जगह मुझे इंटरव्यू देने जाना है, जाऊंगा फ्राइडे को, तो इंशाल्लाह अगर उधर एक्सेप्ट हो जाए, उधर पे अगर हो गया तो अच्छी बात है, तो हो जाएगा कुछ ना कुछ तो अल्लाह मालिक है, कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त ज़रूर कर देगा, ऐसा नहीं है। तो ये लोग भी बहुत काफ़ी दिनों से बोल रहे थे जान दो छोड़ दो वहाँ से काम, छोड़ दो काम, क्योंकि 2 महीना हो जा रहा है, 2 महीने में एक बार सैलरी आता है, यानी 1 महीना पूरा भरने के बाद में दूसरे नेक्स्ट महीने में अपने को 25-26 तारीख को सैलरी आता है, 18 से 23 तारीख तक सैलरी आता है। तो यानी 1 महीना पूरा चले जाता है, दूसरे महीने में भी पूरा महीना ख़त्म होने वाला रहता है तब सैलरी आता है। जब तक कि इधर मेरा सब मतलब उल्टा पुल्टा हो जाता है, EMI बाउंस हो जाता है, लाइट बिल का डेट निकल जाता है, भाड़े का डेट निकल जाता है, इधर उधर से मुझे लेके हर एक चीज़ हर महीना मुझे यहाँ वहाँ से लेके ये सारी चीज़ पूरी करनी पड़ती है। फिर जैसी सैलरी आती है फिर तैसी मुझे सैलरी का पूरा पैसा इधर डालना पड़ता है, फिर वही मतलब यही रूटीन घूम रहा है मेरा, यही सिर्फ यही रूटीन घूम रहा है कि यहाँ जब डेट होता है भरने का मेरे पास मेरा सैलरी नहीं आता, इन लोग से लेके यहाँ वहाँ से कर लेता हूँ, जैसी सैलरी आता है बाट बूट के बैठ जाता हूँ। तो ये लोग कब से मुझे बोल रहे छोड़ दो वहाँ से, दूसरी जगह काम पकड़ो, दूसरी जगह काम पकड़ो। तो फाइनली आज मैंने गाइस रिज़ाइन लेटर डाल दिया हूँ, अब देखते हैं कल क्या होता है क्या नहीं होता है, तो बाकी का फिर देखते हैं। और यहाँ पे है मुस्कान। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। हो गया ना, सुकून मिल गया ना। हाँ, मैं तो इतने टाइम से बोल रही हूँ अब्बा को काम छोड़ दो, सुन रहे ही नहीं थे। फाइनली मैं तो जैसे अभी बोले ना कि मैंने रिजाइन डाल दिया, मेरी दोरा का शुक्राना नमाज पढ़ूंगी मैं जाके, क्योंकि बहुत अब्बा के काम के जैसे प्रॉब्लम, बट वो बहुत पुराने हैं इस वजह से वो रह रहे थे, अब क्या हुआ क्या नहीं उनको ही पता, हम लोग को भी उन्होंने बताया नहीं है। सो देखते, अच्छी बात है, छोड़ दो कहीं अच्छी जगह लगो, भले से 2-3 हजार कम रहेगा लेकिन एटलीस्ट टाइम पे तो पैसा मिलेगा उधर पे। यहाँ पे पूरा पूरा महीना जितना चले जाता तुम उससे ज्यादा कर्जे में डूब जाते, वही हो रहा है, वही हो रहा है कि देखो अभी लाइट बिल वाला तो ऐसा है नहीं कि भाई अभी मेरा 18 तारीख से 23 तारीख तक सैलरी आएगा जब मुझे मैं भरता हूँ, वो तो एक डेट है 8 से 10 तारीख तक, अगर नहीं हुआ तो सीधा वो लोग आ जाते सीधा मीटर काटने के लिए, तो ऐसा हो गया। भाड़े का क्या है, 1 से 10 तारीख तक का डेट रहता है, EMI 2 तारीख को है तो 2 तारीख को ही कटेगा, हम उसको नहीं बोल सकते कि भाई मेरा अभी 18 तारीख को 23 तारीख को सैलरी आएगा जब मैं भरूंगा, 2 तारीख को चेक मेरा अकाउंट में आ जाता है, चेक बाउंस हो जाता है तो डायरेक्ट मुझे 1200-1100 रुपये का फाइन लग जाता है, 4300 रुपये का इसको फाइन लग चुका है अभी मुझे, वो फाइन मैंने अभी तक क्लियर नहीं किया। तुम्हारे पैसे चले जाते कितना तो फाइन में भर, महाराष्ट्र बैंक में नहीं बोले तो मेरा 12-13 हजार रुपये खाली मैंने फाइन भर चुका हूँ, इसलिए मैं भी महाराष्ट्र बैंक में मैं अकाउंट में पैसे नहीं डाल रहा हूँ, ऑनलाइन जाके 25 तारीख को ही पे कर देता हूँ। तो ये सब सारी वजह से मैं बहुत कंटाल गया था, अभी मैं वही भी बहुत इतना टेंशन में आ गया हूँ ना कि बस मैं आप लोग को उतना मैं बोलता नहीं हूँ बताता नहीं, लेकिन आज की डेट में बहुत ज़्यादा ही टेंशन में मैं चल रहा हूँ गाइस, बस खाली ऊपर वाला मुझे चला रहा है वैसे ही मैं चल रहा हूँ। तो अभी इसका भी हो गया, इसको भी खुशी मिल गई, मैंने जॉब छोड़ दिया। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? तो अच्छा हुआ ना, चौदहवा साल चालू है गाइस उस कंपनी में मुझे, और फाइनली आज मैंने छोड़ दिया। लोग मेरे को आज 2-3 साल से बोल रहे जान दो छोड़ दो वहाँ से, छोड़ दो वहाँ से, छोड़ दो वहाँ से, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा, लेकिन मतलब जान दो
है पुराना एम्प्लॉय रहता है, लेकिन 10 तारीख तक पगार आ जाती है, इनके इधर 26 तारीख हो जाती है, 25 तारीख हो जाती है, 24 तारीख हो जाती है, जब पगार आएगी तो सामने वाले का घर कैसे चलेगा, है कि नहीं। भाड़ा देना, भाड़ा रख लो रुकने वाला, जो भाड़ा तो टाइम पर देना पड़ता है, हर चीज़ टाइम पर देना पड़ता है, तो क्या मतलब का। इतने दिन से तो हम लोग बोल ही रहे थे दूसरी तरफ ढूंढो, दूसरी तरफ ढूंढो, तो नहीं समझ में आ रहा था, थोड़ा सा काम रहेगा वहाँ पे, सैलरी चलेगा, एडजस्ट हो जाएगा धीरे धीरे पगार पे इंसान, जब हम काम करते हैं तो धीरे धीरे हर जगह ही पगार बढ़ जाती है। जहाँ मैं काम करती थी पहले मेरा 4,500 पगार था जब जब के डेट में, तो आज माशाल्लाह 9,500 हो गए ना, 10,000 तक ऐसे हो गई है। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत ये हेल्प कर रही है, और अभी थोड़ा बहुत मैं अभी मतलब अभी छोड़ दूंगा तो कहीं ना कहीं अभी मुझे तो टाइम लगेगा, एक आध महीना तो मुझे लगेगा कहीं भी जॉब पकड़ने में, सेट होने में, बट कोई नहीं, देखेंगे, अल्लाह मालिक है, चल जाएगा थोड़ा बहुत। और जब तक ये है अभी तो मेरा भी 12th होगा, तो मैं भी कहीं भी सीखूंगी, तो मैं भी कहीं पार्ट टाइम मैं खुद देखूंगी यहाँ पे से, मतलब जब हटेगा यहाँ पे मेन तो ना, यहाँ पानी की वजह से कहीं लगना बहुत मुश्किल है, अभी भी चाके में लग सकती, बट यहाँ मेन पानी 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 पानी, जो कि दोपहर का पानी है, किसी एक को तो घर में रहना ही पड़ता है, मैं या तो अम्मी, और अम्मी अभी काम पे जाने लगे तो मुझे रहना पड़ता है सर, इस वजह से। लेकिन आज मेरा जॉब छोड़ने का रीजन ये है गाइस, इतने दिन तक कैसे भी मैंने चलाया, लेकिन आज मैं पता नहीं क्यों मेरे मतलब बस खाली रो नहीं रहा हूँ मैं, बाकी अंदर से मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है मेरे को एकदम, मतलब बोलते ना एक कोई इंसान अगर दो लाफा मार देता है ना तो वो चल जाता है, लेकिन कोई अगर कुछ बातों से अगर कुछ बोल देता है ना तो कोई कोई बात है ना ऐसा दिल को लग जाती है, और मैं ऐसा है ना मेरे को लाख कुछ भी बोल दो, गाली दे दो, कुछ भी बोल दो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब मैं किसी इंसान को अगर मतलब कैसा जैसा है कि अपना समझ के अगर करता हूँ, अगर वो इंसान मुझे अगर कुछ ऐसा बोल देता है ना तो बात मुझे ना कोई कोई बात ऐसी है जो मुझे लग गई, और वो लग गई है ना तो गैस, अब मैंने कुछ नहीं सोचा कि मैं जॉब छोड़ दूंगा, मेरे पास काम नहीं है, कुछ नहीं है, मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा, EMI कैसे जाएगा, भाड़ा कैसे जाएगा, लाइट बिल कैसे, मैंने कुछ नहीं सोचा, मैं सीधा रिजाइन डाल दिया हूँ, 15 दिन का नोट पीरियड पे रिजाइन डाल दिया हूँ मैंने, अभी देखते हैं जो भी होगा अल्लाह मालिक है। अभी नहीं भी हो तुम हट जाओ, हम लोग तो यही बोलेगे है ना अम्मी, हट जाओ अभी, बस हो गया ना अभी, हट जाओ, चलेगा घर, अल्लाह बहुत बड़ा है, खाएंगे थोड़ी ना, भूखे रहेंगे, निकल जाता है, हट जाओ, क्या थोड़ा है, महीना जाएगा, काम वालों को बहुत काम मिलते हैं, पीछे नहीं हूँ मैं, कुछ भी काम कर लेता हूँ, मैं कलर भी मार लेता हूँ, कड़िया का काम कर लेता हूँ, मैं काम में कोई भी काम में मैं शर्म नहीं करता हूँ, बस पैसा मिलना चाहिए, मैं कुछ भी काम करने को तैयार रहता हूँ, मैं कोई भी काम कर लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बस कोई नहीं, वो बोलते ना कुछ अभी है तो उससे अच्छा ही होगा, बुरा तो नहीं होगा, उससे अच्छा ही होगा, देखते हैं फिर आगे अभी और क्या होगा क्या नहीं होगा, तो अभी बस अभी जा रहे हैं हम लोग खाना खाने के लिए। खाना क्या बनाया लो आज? मैं बनाई पालक और आलू की भाजी, सोया की भाजी डाल के, आज मैं खुद इतना टेंशन में हूँ ना, मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, अभी 2 तारीख आ रहा है, मुझे EMI भरना है, भाड़ा भरना है, लाइट बिल भरना है, और मैं इतना बड़ा डिसीजन लेके घर में बैठ गया हूँ, मैं मतलब मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं करूँ तो क्या करूँ, बस यही है कि बस वो बोलते हैं ना कि भले से कुछ भी नहीं है मेरे पास में, लेकिन कोई चीज़ अगर मेरे मन को दिल को लग गई ना वो मुझे गवारा नहीं करता है, मुझे पता नहीं क्यों मैं बहुत नर्वस हो जाता हूँ, बहुत मेरे को मतलब गिल्टी फील करता हूँ मैं यार, मैं इतना साल मतलब 13-14 साल मैं निकाल दिया, बस यही सोच के मैं मतलब आंसू आ रहे लेकिन बाहर नहीं आ रहे, ऐसा हो जाने दो, ऐसे लोगों के लिए क्या रोने का है कि नहीं, बहुत काम मिलते हैं, अभी ऐसे करेंगे तो तुम ऐसे करेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं है, काम की वजह से गाइस मैं बाहर गाँव भी नहीं गया ना, तो मैं बाहर गाँव भाई लोग को बोलता तो वीजा भी आ जाता है, लेकिन मैं नहीं गया, मतलब जब 20-25 हज़ार रुपए मैं यही कमा ले रहा हूँ तो मैं 1-2 हज़ार रुपए ज्यादा मिल रहा है वहाँ जाके क्या करूँ। मैंने पहले इनको बोली थी, जब इनके भाई ने वीजा भेजा था, वीजे के लिए बोले थे, तभी मैंने बोली थी कि चले जाओ, वहाँ का पैसा कमाने से बचता है, यहाँ कितना भी कमाओगे मतलब बम्बई में तो कम ही पड़ता है, पहले से 20 कमाओ या 25 कमाओ वहाँ का पैसा थोड़ा बचत हो जाता है, अगर 2 साल भी निकाल लेते ना तो आज दिन देखना नहीं। बस मैं यही सोच रहा था कि कैसे ही करके, अभी तक तो नहीं, अभी चलो चलो अभी थोड़ा काम धंधा थोड़ा सही होता तो एक घर को कैसा भी हैवी पे कर देता ना, तो मैं कैसा कि मैं टेंशन फ्री हो जाता,
घर एक अगर हैवी पे हो गए तो मैं टेंशन फ्री रहता, कहीं भी मैं जाता तो मेरे को एक तो टेंशन नहीं था कि यार घर का भाड़ा भरना है ये नहीं, यहाँ पे रहता तो लाइट बिल भरना है, पानी का है, अपना खाना करना है, तो उतना तो ये लोग खुद भी कर सकते थे। हाँ, मैं फ्री होके कहीं भी मतलब घूम फिर के कहीं भी मैं दो पैसा कमा सकता था, बस यही वजह से तो मैं चुपचाप बैठा हुआ था। लेकिन बट कोई नहीं, अब देखते हैं, अभी मैंने डिसीजन तो ले लिया हूँ इतना बड़ा, आगे अल्लाह मालिक है, बस आप लोग दुआ करो कि जो भी हो मेरा अच्छे से हो जाए। और अपने पास तो ऐसा भी नहीं है कि हाँ चलो अपन कहीं से ले लेवे कुछ भी कर देवे, ऐसा कुछ नहीं, जो कुछ करना है मुझे ही करना है, कोई अपने सपोर्ट में ऐसा है नहीं कि जो कोई मुझे दे देगा कि चल भाई तू ले ले इतना तो कर ले, अपना कोई सपोर्ट में ऐसा है भी नहीं, और मैं किसी को बोलता भी नहीं, ना ही किसी से मांगता हूँ, मैं जो करूँगा मैं खुद से करता हूँ, जैसा भी है थोड़ा मोड़ा जो भी है मैं खुद से करता हूँ, मैं अपना टेंशन अपने पास ही रखता हूँ। तो अभी मुस्कान क्या बोल रही है देखो। नहीं मैं तो कुछ नहीं बोल रही हूँ, इतना बोलूँगी बस टेंशन मत लो, नमाज पढ़ेंगे हम लोग, अच्छे से दुआ करेंगे कि सब अच्छे से हो जाए, और अभी मेरा 12th हो जाए फिर मैं भी कंप्यूटर वगैरह सीखूँगी थोड़ा, मैं भी कहीं पार्ट टाइम देखूँगी तो इंशाल्लाह तुमको हेल्प हो जाएगा जाने। मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं, इसका 12th हो जाएगा, इसका कंप्यूटर कोर्स करा दूंगा दो चार महीने में, नहीं तो कुछ ना कुछ तो मेरा एक सहारा तो ये भी हो जाएगी, एक सहारा वैसे भी हल्लो हो ही चुकी है, भले से ज़्यादा नहीं है, 10,000 ही आ रहा है, लेकिन बहुत बड़ा हेल्प हो जा रहा है, जैसे लाइट का बिल मेरा निकाल देती है, पानी का निकाल देती है, ट्यूशन का निकाल देती है, वाईफाई का, तो छोटा मोटा खर्चा तो यही हैंडल कर देती है, तो यही बहुत बड़ा सपोर्ट है मेरे लिए, तो मैं थोड़ा टेंशन फ्री हूँ। बाकी जो छोटा मोटा मेरा जो लेना देना है, थोड़ा सा कर्जा है जो, ये सब मैं मेरे हैंड से मैं फ्री हो रहा था, बाकी छोटा मोटा कर्जा ये हैंडल कर ले रही थी, तो अभी ये खड़ी हो जाएगी, और उसके बाद ये खड़ी हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा कुछ टेंशन फिर आप लोग हम लोग को और अच्छे से देखोगे इंशाल्लाह। अभी भी अच्छे से ही है, अभी भी ऐसा कुछ अभी तक तो कुछ टेंशन नहीं आने दिया, मैं अल्लाह का शुक्र है, काहे के लिए झूठ बोलूं कि जो भी है हम लोग सब अच्छे से किए, अभी तक कोई चीज का ऐसा टेंशन नहीं आया, बट ये बस ये जल्दी से मुझे काम मिल जाएगा, छूट जाएगा, तो कुछ भी टेंशन नहीं होगा, अगर काम नहीं मिलेगा तो टेंशन हो सकता है, मिल जाएगा, इंशाल्लाह देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, हो जाएगा मिल जाएगा काम, तो मिल ही जाएगा एक्सपीरियंस, अब अच्छा खासा काम का एक्सपीरियंस। और ये इलेक्ट्रिशियन लाइन में गाइस मुझे 13-14 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसमें, हर एक चीज़ के बारे में मुझे नॉलेज है, सब चीज़ के बारे में। नहीं नहीं अब क्या डायरेक्ट अभी समझ लो इतना सैलरी से अब क्या 11,000 रुपये आऊँगा, मतलब इंसान ऊपर चढ़ता मैं नीचे उतरूँगा, नहीं जब तक क्या कब तक नहीं, फालतू को ऐसे ही घूमूंगा मैं, वो परोड़ेगा मुझे, नहीं नहीं इनको मिलेगा, ऊपर चढ़ के फिर मैं नीचे उतर के आऊँ वो नहीं होगा, मिलेगा काम, मिलेगा बहुत काम मिलेगा, एक्सपीरियंस है मेरे पास, ऐसा कुछ नहीं, मैं अभी तक कभी कहीं ढूंढा ही नहीं, मैंने किसी से बात ही नहीं किया, मेरे पास ऑफर आए बहुत सारे ऑफर आए, लेकिन मैं बोला नहीं मुझे कहीं नहीं जाना है, बट अब मुझे जरूरत है, इतने दिन से हम लोग बोल रहे थे सुन रहे नहीं, अब मुझे जरूरत है क्योंकि अभी अब नहीं हो रहा है, मिलता है ना पगार, हाँ मतलब कैसा पगार मिलता है, पगार का नहीं फायदा ही नहीं, पगार मिलता था ऐसा नहीं कि नहीं मिलता था कि दो महीने में एक ही बार मिलता है, लेकिन क्या फायदा है तुम ही सोचो ना, लेकिन मैं अभी तक चलो जान दो पुराना इतना 13-14 साल काम किया तो कुछ तो रिस्पेक्ट करना पड़ता है, ऐसे बहुत पैसे वाले भी हर जगह देखी हूँ 10-15 के अंदर ऑफिस में इतना ही रहता है, अभी जब से ये सिस्टम पहले नहीं था, ये सिस्टम अभी 1-2 साल से चालू हुआ है सिस्टम, जब से ये सिस्टम चालू होना गए जब से मैं अभी फिलहाल बोले तो 1.5-2 लाख रुपए के कर्जे में आ चुका हूँ, आज मैं आपको बता रहा हूँ 1.5-2 लाख रुपए के कर्जे में आज की डेट में मैं चल रहा हूँ, इतने दिन से तो आपको कभी नहीं बोला लेकिन आज फाइनली बोलता हूँ मैं, क्योंकि अभी ऐसा हो गया है कि जब से सिस्टम चालू जब से मैं थोड़ा कर्जे में भी आ गया, बट कोई नहीं अल्लाह पाक कैसे भी पार करता था, कभी कोई मेरे तक पहुँचा नहीं, और ना ही किसी की जिसको जबान दिया उसको मैंने आज तक ऐसा कुछ किया नहीं कि हाँ जबान लेके मैंने नहीं किया, हर एक चीज़ टाइम पे किया हूँ, बस ऐसे जैसे अभी तक ऊपर वाले जबान रखा है आगे भी मैं ऐसी मेरा जबान रखे रहे बस और कुछ नहीं। तो अभी हम लोग खाना वाना खा लेते हैं, खाना वाना खाने के बाद में मुस्कान जा रही है कहाँ, आइसक्रीम खाने, नेचुरल में जा रहे हैं लोग आइसक्रीम खाने के लिए, तो अभी खाना वाना खा लेते हैं उसके बाद हम लोग चलते हैं नेचुरल में आइसक्रीम खाने के लिए, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, टेंशन अपनी जगह है यार कोई नहीं, चलो डोंट वरी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का खाना हो गया और अभी मैं और मायरा जा रहे हैं आइसक्रीम लाने के लिए, अम्मी भी आ रहे थे बट अम्मी बोले जाके लेकर आ जा, मैं थक गई हूँ, मैं झाड़ू मार के बिस्तर लगाती जब तक तू डब्बा ही लेकर आ जा, तो मैंने बोली ठीक है, तो मैंने पैसा ले लिया, अभी मैं जा रही हूँ आइसक्रीम लाने के लिए, चल मायरा यहाँ पे यहाँ नेचुरल्स आगे देख सकते हो, आगे नेचुरल्स है वहाँ से ही लूँगी, ऑनलाइन मंगा रही थी वो मुझे पड़ रहा था 480 का,
उससे अच्छा मैं जाके डब्बा ना ले लूँ दो कदम चल के, इसलिए मैं आ गई। और मेरा खाना भी हजम हो जाएगा, है ना मेरा? हम लोगों ने नेचुरल से अंदर से आइसक्रीम ले ली, आइसक्रीम पकड़ी है मायरा, एंड मैंने सुहान के लिए ले ली ब्राउन ब्रेड, उसको सुबह में खाने का था तो एक पैकेट मैंने वो ले ली। मायरा आराम से पकड़ा, हाँ चलो तो चलते हैं घर पे। गाइज मैंने ये डब्बा ली, मैंने मतलब शॉप पर जाके ली तो मुझे 400 रुपये का पड़ा, और कैश मैं ऑनलाइन मंगा रही थी तो मुझे वो 480 यानी 80 रुपया ज़्यादा ले रहा था। बताओ डिलीवरी चार्जेस वगैरह, मेरा 80 रुपया बचा है, मैं खुद यहाँ पर आके ले ली, घर से बाजू में, ये ज़्यादा दूर नहीं है, बट मैं ऑनलाइन पहले चेक की कितना है तो 80 रुपया ज़्यादा था, और मुझे अभी 400 में पड़ा, ये कुछ 500 ग्राम डब्बा है। आराम से मायरा आ गई आइसक्रीम लेके घर पे। सो देख सकते हो गाइस नेचुरल की आइसक्रीम की बात ही अलग है, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहले इतना नेचुरल की आइसक्रीम खाते थे, इतना खाते थे, इतना ऐसे डब्बे हमारे पास पड़े रहते थे, फिर अब्बा सर्दी वर्दी होने लगी थी तो बंद करा दी थी, और आज हम लोग बहुत टाइम बाद मतलब नेचुरल की खा रहे, वरना ऐसे तो बीच में हम लोग खाते ही रहते थे। देख लो मायरा को भी चको, मायरा आ इधर आ गया आ गया, चको अम्मी बता कैसी। देख पूरा चम्मच अंदर डाल दिया लड़के ने, सड़ेला कहीं का, ठंडी में और ठंडा खाएंगे गला बैठ जाएगा। चको कैसी है, मायरा को भी चको, मस्त है ना? मैंने वो लाई हूँ बादाम वाली लाई हूँ, मायरा को चको। ठंडा है मायरा? आराम से गर्म है? नहीं ठंडा, आइसक्रीम ठंडी है, मस्त है ना? मस्त लग रही है, अलग ही। तो चलेगा जी ऐसे ही, इसी के साथ मैं ब्लॉग यहीं पे एंड कर देती हूँ। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अल्लाह हाफिज, कल मिलेंगे वापस एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, आई लव यू ऑल। Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, I